हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अपने घरों में आप अच्छे से सुरक्षित होंगे और अच्छा और स्वच्छ भोजन ग्रहण कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे विटामिन्स के बारे में, क्योंकि हमें अच्छे से खाने पीने पर, अपनी डाइट पर ध्यान देना है। कुछ ऐसे पोषक तत्व और ऐसे रसायन होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन्स की खोज 1902 में फंक ने की थी। आइए बात करते हैं विटामिन्स कितने होते हैं, ए बी सी डी ई और के। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें शरीर दुबला पतला और कमजोर हो जाता है, भूख कम हो जाती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें देखिए गाजर का सेवन करना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, स्वीट पटोटा लेना चाहिए, और सभी फलों के सेवन करने से हमारे शरीर में इसकी कमी दूर रहेगी और हमें रतौंधी नामक रोग नहीं होगा। इसके बाद विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसमें भी हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है और हमारे मुंह में छाले निकलने लगते हैं और होठों के किनारे, कभी कभी देखा होगा, किनारे फटने लगते हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए केले का सेवन करें, एप्पल खाएं, टमाटर लें, तो ये बेरी बेरी रोग हमारे शरीर में नहीं होगा। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे कि मसूड़ों में दुर्गंध आने लगती है, मसूड़े फूलने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे कि नींबू, आंवला, पाइनएप्पल, ऑरेंज, इन सभी चीजों का सेवन करना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं है तो हम ऑरेंज खा लें या नींबू का शरबत बना के पी लें। इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, अस्थियां कमजोर होने लगती हैं और हमारे हड्डियों की प्रॉब्लम होने लगती है, हाइट कम होने लगती है। विटामिन डी सूरज की किरणों में बहुत अच्छे से मिल सकता है और मछली के तेल में होता है, अंडे में, मांस मछली, पनीर में, मक्खन में, मलाई में, इन सभी चीजों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की शरीर को बहुत आवश्यकता होती है और इसकी कमी को दूर करने के लिए कभी कभी टैबलेट्स भी ली जाती हैं। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, ये हमें हृदयाघात से रोकता है, यानी हृदय की बीमारी से बचाता है। विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए देखिए हमने कीवी बनाया है, अनार बनाया है, आलमंड्स और आलमंड्स ऑयल, इन सभी चीज़ों में विटामिन ई होता है। और बच्चों, सभी सारे विटामिन दूध में और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को स्कूल में भी वेडनेसडे को दूध और मंडे को फ्रूट्स दिए जाते हैं, ताकि किसी भी बच्चे की बॉडी में विटामिन्स की कमी ना हो। तो आप लोगों को समझ में आया कि विटामिन्स कितने आवश्यक हैं और हर विटामिन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। इसके आगे विटामिन के भी है, जो आपको बाद में पढ़ाएंगे। इन सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम भी होते हैं, जो आप बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे। अभी के लिए आपकी इतनी जानकारी बहुत है। आपको ये सभी विटामिन्स के नाम और इनसे होने वाली बीमारी को अपनी कॉपी में लिखना है और दो दो तीन तीन विटामिन के चित्र बनाना है। ये विटामिन बॉक्स है, जिसका विटामिन सबसे अच्छा होगा, जिसके चित्र अच्छे बनेंगे उनके चित्र को इस विटामिन बॉक्स में बाद में हम लगाएंगे। आप सभी अपने होमवर्क को अपनी कॉपी में करके हमें व्हाट्सएप करोगे और क्या कहोगे, विटामिन खाएं, रोगों को दूर भगाएं।